हेलो दोस्तों, अगर आपके SBI बैंक में अकाउंट है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे अगर मोबाइल नंबर होते हैं और हमको पता नहीं रहता कि हमारा कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है हमारे बैंक अकाउंट में, या फिर आप सिंपल चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं मिलता है SBI ऐप में या फिर नेट बैंकिंग में कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है। बट एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI। सिंपल सी बात है, आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, कि इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लेंट्स का और ट्रबल शूटिंग लॉगिन, मतलब कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आपको कंप्लेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो सिंपली आपको रेज रिक्वेस्ट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रेज कंप्लेंट और रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपली इस पे भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं डिजिटल पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपना अकाउंट नंबर डालना है और जो कैप्चा शो हो रहा है उसको फिल करना है। जो आपका अकाउंट नंबर है जो आपकी पासबुक में अवेलेबल होगा उसको डाल दीजिए और कैप्चा फिल कर दीजिए। अकाउंट नंबर और कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके जो अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 या 6 डिजिट आपको शो होंगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो ये ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको इस ट्रिक से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।